You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी पंजाब राघव चड्डा अजकल पंजाब दौरे ते ने अमृतसर जिले च रवायती पार्टियां नूं छड्ड के लोग राघव चड्डा की मौजूदगी च आप च शामिल होए ने। इस मौके राघव चड्डा ने पंजाब की कांग्रेस सरकार उत्ते तिखे शब्दी हमले बोलदिया कहा कि कैप्टन सरकार ने जो वादे सरकार आउण तों पहलां लोकां नाल कीते सन उन्हां नूं अज तक पूरा नहीं किया गया। इत्थे ही नहीं राघव चड्डा ने तीन खेती कानूनां नूं लै के भी कैप्टन अमरिंदर सिंह उत्ते बोलदियां कहा कि इस नूं बनाउण दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह दा बहुत वड्डा रोल है, क्योंकि जिस कमेटी विच इह तीन कानून बनाए जा रहे सन उस विच कैप्टन अमरिंदर सिंह मैंबर सन। साथियों, आज पंजाब के जो राजनीतिक हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है। एक तरफ है कांग्रेस पार्टी, कैप्टन साहब जो पूरे 5 साल अपने महल में रहे, राजशाही का आनंद लिया, ना जनता के बीच गए और ना ही वादे जो उन्होंने किए थे वो वादे पूरे किए। हम सुनते थे 2017 के चुनाव में उनका कैंपेन, उन्होंने कहा मैं कर्जा खोरी माफी दूंगा, मैं घर घर नौकरी दूंगा, मैं नशे को 4 हफ्ते में खत्म कर दूंगा। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, कैप्टन साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब से नशा खत्म हो गया? क्या हर घर को नौकरी दे दी? क्या हर व्यक्ति का कर्जा खुदकी माफ हो गया? आज एक भी वादा, मैं चुनौती देता हूं कैप्टन साहब को, एक भी वादा वो बता दे जो उन्होंने पूरा किया हो तो मैं उनकी बात मान जाऊं। और ये क्या कम था कि इसके बाद ये 3 काले कानून बनाने का मसौदा बनाने की पूरी कवायद कैप्टन साहब ने की। कैप्टन साहब उस समिति का हिस्सा थे जिस समिति ने, जिस कमिटी ने ये 3 काले कानून को जन्म दिया। और आज कैप्टन साहब की बदौलत पंजाब में और पूरे देश भर में ये 3 काले कानून लगे हैं। उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में 2019 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, वादा पत्र में ये लिख डाला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग एपीएमसी मंडी को खत्म कर देंगे। आज पंजाब की जनता की पीठ में छुरा भोंकने का काम मुख्यमंत्री साहिब, कैप्टन साहिब ने किया है। पंजाब की जनता उनके धोखे को समझ चुकी है, देख चुकी है। दूसरी ओर हमारे सामने है अकाली दल, वो पार्टी जिसे मैं इंडियाज मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी कहता हूं, वो पार्टी जिसे पंजाब की जनता, हिंदुस्तान की आवाम सबसे ज्यादा नफरत करती। आने वाले समय में जब एग्जाम होंगे, बच्चों का पेपर होगा, तो उसमें मल्टीपल चॉइस सवाल आएगा और सवाल होगा कि बताओ जी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे जनता ने सबसे ज्यादा नफरत की। ABCD 4 ऑप्शन होंगे जिसमें पहला जवाब और सही जवाब होगा शिरोमणि अकाली दल। पंजाब का बच्चा बच्चा सुखबीर बादल से और अकाली दल से नफरत करता है। ये वो पार्टी है जिनकी सदस्य हरसिमरत कौर बादल जी केंद्र की सरकार में वजीर रही और इस पूरे मसौदे को बनाने से लेकर कानून में तब्दील होने तक
पूरा साथ भाजपा का और मोदी सरकार का दिया। आज किस मुंह से अकाली दल और अकाली दल के नेता पंजाब में वोट मांगेंगे? और बीजेपी जो तीसरी पार्टी है जिसने पूरे पंजाब को और पूरे देश को अपने चार उद्योगपति दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स को बेचने का काम किया, जिसका सुपड़ा पंजाब से साफ हो गया, लेकिन आज ये तीन पॉलिटिकल पार्टियां जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं उनसे परेशान होकर पंजाब की आवाम आप सब की ओर देख रहे हैं, पूरी उम्मीद से देख रहे हैं, पूरे विश्वास से देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? जब पहली बार हमने 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा तो इस चुनाव में बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद जनता ने दिया और आजाद भारत के इतिहास में इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पहली दफा ऐसा हुआ कि एक छोटी सी पार्टी, दो तीन चार साल पुरानी पार्टी इतने बड़े सूबे में चुनाव लड़ती है और पहली बारी उसे मुख्य विपक्ष यानी कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता सूबे की जनता ने। आप इतिहास उठाकर देख लेना, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद आज पंजाब की जनता ने पांच साल आम आदमी पार्टी को एक मजबूत विपक्ष की तरह देखा, उसने ये भी देखा कि पंजाब के लोगों ने यह भी देखा कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से मजबूत हो गई है, पूरी तरीके से मैच्योर हो गई है, जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी वो भी दूर कर रही है और अब पूरे विश्वास से उम्मीद से पंजाब की आवाम आप सब की ओर देख रही है। सवाल यह है कि आप सब तैयार हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, जिस तरह आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस अकाली दल और भाजपा की रातों की नींद आप सबने उड़ाई हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब तैयार हैं और 2022 में आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं और पंजाब और दिल्ली का एक गहरा रिश्ता है। आज पंजाब की जनता, पंजाब के लोग भी ये चाहते हैं कि जिस तरह दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने, वैसे ही पंजाब के गांव गांव में एक क्लिनिक बने, आम आदमी पार्टी का क्लिनिक बने, आम आदमी की सरकार का क्लिनिक बने। जिस तरह दिल्ली में स्कूली शिक्षा इतनी बढ़िया हो गई, दिल्ली के स्कूल वर्ल्ड क्लास हो गए कि आज अमीर लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन, मिनिस्टर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकलवाकर दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार के स्कूलों में डाल रहे हैं। पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि यहां पर भी इसी प्रकार। यू आर वॉचिंग चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।